Yes, hello everyone, Hitesh here. Today, we're gonna talk about a web series called Money Heist Season 1 Episode 5. इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने चौथे की एंडिंग देखी थी। हमने उसमें देखा था कि किस तरीके से स्नाइपर्स ने आर्थुर को गोली मार दी थी और वहां से सारी हाइस्ट की टीम और साथ ही हॉस्टेजेस उसे लेकर अब वापस से रॉयल मिंट के अंदर आ जाते हैं और साथ ही अब सभी मिलकर आर्थुर की जान बचाने की भी कोशिश करते हैं। हालातों को बिगड़ते देख अब वहां पर पुलिस भी काफी पैनिक हो जाती है। हम देखते हैं कि पूरी हाइस्ट की टीम उसे बचाने में लगी होती है, उसकी सर्जरी करने की कोशिश करती है। वहीं पर हमें इसका फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहां पर प्रोफेसर अपनी पूरी टीम को ये बता रहा होता है कि अगर किसी को भी हार्ड इंजरी हो जाए तो तुम्हें उसकी सर्जरी किस प्रकार करनी है। मगर तब टोकी उन्हें बताती है कि आर्थुर को जो गोली लगी है उसके लिए जो हम सर्जरी करने वाले हैं वो उसे बचाने के लिए काफी नहीं है, इसके लिए हमें और प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर अब रेकल कॉल लगाती है प्रोफेसर को और उसे बताती है कि हमने गोली चलाई और हमारी एक हॉस्टेज को गोली लग गई है। मैं इस बात के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ मगर यहाँ पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, हमें उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। मगर प्रोफेसर उसकी बात को मना कर देता है लेकिन रेकल उस पर दबाव डालती है और उसे कहती है कि किसी इंसान की जान इतनी कम कीमती नहीं है, तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हो। तब फाइनली प्रोफेसर उसे कहता है कि ठीक है तुम कोई मेडिकल टीम उस पूरे रॉयल बिंट के अंदर भेज सकती हो लेकिन हम उसे हॉस्पिटल नहीं भेज सकते। और फाइनली ये डिसीजन ले लेने के बाद में अब एंजल रेकल से रिक्वेस्ट करता है कि जब मेडिकल टीम अंदर जाएगी तब मैं भी उन लोगों के साथ में जाऊंगा ताकि वो बाकी सभी मौजूद हॉस्टेजेस और वहां पर मौजूद हाइस्ट की टीम की पूरी डिटेल्स निकाल सके। अब ये सारा का सारा प्लान रेकल जाकर कर्नल को बताती है, उसे कहती है कि एंजल भी अब मेडिकल टीम के साथ में अंदर जाना चाहता है और ये मुआयना करना चाहता है कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। मगर इस बात को सुनते ही कर्नल उसे मना कर देता है और कहता है कि हम ऑलरेडी काफी ज्यादा खून खराबा कर चुके हैं, अब और खून खराबा करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। मगर तब रेकल कर्नल को ये बताती है कि हाइस्ट की पूरी टीम हमारी पूरी टीम से दो कदम आगे चल रही है, उन्हें हमारे प्लान के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता था मगर अभी जो हुआ यानी कि अभी जो गोली लगी है वो उनके प्लान में शामिल नहीं था, इसी बात का हम फायदा उठा सकते हैं। और तभी वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एक छोटी सी टीम को एक टर्नल में डालकर उस रॉयल मिंट के अंदर तक पहुंचाएंगे। वो टर्नल बने हुए अभी सिर्फ 18 महीने ही हुए हैं, इस टर्नल के बारे में वहां पर किसी को भी पता नहीं होगा और इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। और साथ ही अब वो अपनी घड़ियों में टाइम भी मिला लेते हैं क्योंकि आर्थुर की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उन्हें इस बात का पता था कि हॉस्टेजेस को बचाने और साथ ही उस टीम का मुआयना करने के लिए हमारे पास में सिर्फ 30 मिनट ही होंगे, उस 30 मिनट के अंदर ही हमें सब कुछ करना है। और इसी के साथ वो सारी टीम अपनी घड़ियां मिला लेती है। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है मोनिका की ओर जो कि अब अपने दर्द से काफी कराह रही होती है। मगर डेनवर ये बात जानता था कि अगर मोनिका यहाँ पर रुकी तो कोई भी उसे ढूंढ लेगा, इसीलिए वो उसे उठाकर किसी और जगह छिपाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर अब आर्थुर अपने फोन पर अपनी बीवी लॉरा से बात कर रहा होता है। लॉरा काफी ज्यादा रो रही होती है, वो पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तब वहां पर आर्थुर बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही वो अपने प्यार का इजहार भी करता है। वो अपने मरने के आखिरी टाइम पहले उससे वो आखिरी बातें करने लगता है कि उसे उससे काफी ज्यादा प्यार है, वो अपनी पत्नी के लिए हर वो चीज कर सकता है जो वो लाइफ में करना चाहती है। मगर गलती से वो लॉरा की जगह मोनिका नाम ले लेता है और उसकी बीवी लॉरा ये बात सुनकर और ज्यादा रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि मेडिकल टीम अब फाइनली रॉयल मिंट के दरवाजे तक पहुंच गई होती है और उन सभी का गेट खोलने के लिए वहां पर नैरोबी, रियो, टोक्यो और साथ ही कुछ हॉस्टेजेस भी होते हैं जो कि उन्हें अंदर लाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट को प्रोफेसर बैठकर अपने सीसीटीवी कैमरे में देख रहा होता है और तब उसे पता चलता है कि मेडिकल टीम के अंदर एंजल भी उनके साथ में आया है। इस बात से प्रोफेसर और ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये भी इसके प्लान का ही एक हिस्सा होता है। और तभी वो बर्लिन को फोन करके बता देता है कि मेडिकल टीम के साथ में एंजल अभी अभी जस्ट आया है, अब हमने जो प्लान सेट किया था बस उसकी ओर चलते रहना और कोई मिस्टेक मत करना, ये बोल के वो फोन काट देता है। और यहाँ पर इस कहानी का एक शानदार प्लॉट रिवील होता है। अब तक पुलिस को ये लग रहा था कि शूट आउट बेसिकली उन हाइस्ट की टीम का कोई भी प्लान नहीं था, ये अनप्लान्ड हुआ था जो भी हुआ था। इस वजह से अब हम दो कदम आगे चलेंगे हाइस्ट की टीम से। मगर यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑलरेडी प्रोफेसर ने इस बात की भी प्लानिंग कर रखी थी और ये सारा कुछ भी जो हादसा हुआ था बेसिकली ये भी उनके ही प्लान का एक हिस्सा था। और साथ ही प्रोफेसर वहां पर यह भी बताता है कि जब पुलिस वाले या फिर कोई मेडिकल टीम या रेड क्रॉस जब किसी को बचाने के लिए अंदर आएंगे तब हम वहां पर अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वहां से पुलिस वाले बनकर बाहर निकलेंगे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अगेन उसी मेडिकल टीम पर। अब जो सारी पूरी हाइस्ट की टीम होती है वो उन सभी के डिवाइसेस लेकर चेकिंग मशीन में उन सबको डाल देती है ताकि पता कर सके कि उनके सामान में कोई माइक्रोफोन या फिर कोई और हथियार तो नहीं है। और
और वहीं पर वो एंजल का चश्मा लेकर उसमें एक ट्रांसमीटर भी फिट कर देते हैं। और इसी चीज की वॉइस क्वालिटी अब प्रोफेसर भी अपने कैमरे और साथ ही अपने डिवाइसेस में चेक कर रहा होता है। और तब उन्हें पता चलता है कि अब उनका ये वाला प्लान भी कामयाब हो गया है। और वहां से हमें दिखाया जाता है कि अब मेडिकल टीम आर्थुरो के पास जाने लगती है। अभी तक हाइस्ट को शुरू हुए टोटल 33 घंटे बीत चुके होते हैं और इसी के साथ ही अब आर्थुरो की सर्जरी का काम भी स्टार्ट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर रकेल की तरफ से भेजे गए दो पुलिस ऑफिसर उन्हीं सभी की ड्रेसेस को पहनकर एक टर्नल की मदद से उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। साथ ही अब बर्लिन भी आर्थुरो के साथ में बातें करने लगता है, उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है और तुमने तो मिस्टेक कर दी यार, तुमने अपनी रियल बीवी लारा की जगह मोनिका का नाम ले दिया, ऐसा क्यों करते हो, क्या तुम दोनों को संभाल नहीं सकते। तब वहां पर आर्थुरो उसे गुस्से से कहता है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं दोनों से ही काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे पर्सनल मामले में टांग मत अड़ाओ। डॉक्टर्स के पीछे डेनवर भी खड़ा था और उसका मानस ये था कि जैसे ही डॉक्टर्स का ध्यान बटे वो चुपके से वहां से सर्जिकल ब्लेड और साथ ही कुछ एनेस्थीशिया को लेकर मोनिका के पास चला जाए, क्योंकि उसके पिता मॉस्को ने उसे कहा था कि जितना जल्दी हो सके मेडिसिन्स और साथ ही ब्लेड्स का इंतजाम कर लेना। इसी वजह से अब वो फाइनली वो सारी चीजें पा लेता है जो कि उसे जरूरत थी। मगर जो लेटर मोनिका ने उसे दिया था कि इसे तुम जाकर दे देना आर्थुरो को ताकि उसे पता चल सके कि मैं जिंदा हूँ, मगर गलती से वो कागज उसकी जेब से जमीन पर गिर पड़ता है और वही कागज पर नजर पड़ जाती है नैरोबी की और वो चुपके से उस कागज को अपने पास रख लेती है। एक और जब मेडिकल टीम आर्थुरो का इलाज कर रही थी तो उनके पास में भी घड़ी की टाइम में 30 मिनट की टाइमिंग सेट थी। वो ये चाहते थे कि वो कैसे तैसे करके 30 मिनटों तक का टाइम वेस्ट करें ताकि दूसरी ओर पुलिस की छोटी टुकड़ी टर्नल से होते हुए अंदर आ जाएं। मगर जब दूसरी टुकड़ी वहां पर रकेल और साथ ही एंजल के साथ में कम्युनिकेशन करती है तो उसकी कम्युनिकेशन का पता प्रोफेसर को भी चल जाता है, क्योंकि उन टर्नल्स के अंदर लगे थे वॉइस ट्रांसमीटर्स जो कि उनकी आवाज़ों को ब्लॉक कर रहे थे। और तभी प्रोफेसर डायरेक्टली कॉल लगाता है बर्लिन को और उसे बताता है कि कुछ पुलिस वाले एक टर्नल की मदद से अब रॉयल मिंट के अंदर आना चाहते हैं, तो तुम सतर्क रहना। और इसी के साथ अब प्रोफेसर बर्लिन को प्लान भी स्टार्ट करने के लिए भी कह देता है। और जैसे ही मेडिकल टीम की पूरी इलाज जब खत्म हो जाती है आर्थुरो के ऊपर, जब वो जाने लगते हैं तब जैसे ही वो उन सभी चोरों के मुंह देखते हैं तो उन सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उन सभी लोगों ने अपने मास्क चेंज कर लिए थे, क्योंकि प्रोफेसर को पुलिस के माइंड के बारे में ऑलरेडी पता था। वो ये जानते थे कि पुलिस कैसे तैसे करके अंदर आने की कोशिश जरूर करेगी, इसलिए एक मोमेंट पर हम सभी को अपने मास्क चेंज करने ही पड़ेंगे और इसी के जरिए हम पुलिस वालों को पहचान पाएंगे। अब जब एंजल को इस बारे में पता चल गया था कि चोरों ने अपने माइंडसेट को चेंज कर दिया, उनके प्लान को बदल दिया है, तो वो फटाफट से वहां से निकलने की कोशिश करता है। वो जल्दी से जल्दी मेडिकल टीम के साथ में वहां से निकलकर सीधा अपने हेडक्वार्टर्स में रकेल से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि हमने जो पुलिस वाले अंदर भेजे जितना जल्दी हो सके इस मिशन को अबॉर्ट कर दो, क्योंकि अगर वो अंदर पहुंचे तो वो अपने मास्क की वजह से पकड़े जाएंगे और उन्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी इस मिशन को यहीं पर खत्म कर दो। और फाइनली रकेल के ऑर्डर्स पर उन सभी पुलिस वालों को वापस बुला लिया जाता है और उनका ये मिशन यहीं पर बेकार हो जाता है। ये सारी बातें प्रोफेसर बैठा बैठा सुन रहा होता है, क्योंकि उसे तो पता था कि उसने एंजल के चश्मे में एक ट्रांसमीटर फिट कर रखा है जिससे कि एंजल जो भी बातें रकेल या फिर उसके भी उच्च अधिकारी से करेगा वो सारी बातें बैठकर प्रोफेसर आराम से सुन सकता था, जिसके पास में सर्जिकल ब्लेड्स और साथ ही कुछ मेडिसिन्स और इंजेक्शंस भी थे और वो उसका इस्तेमाल मोनिका को बेहोश करने के लिए करने वाला होता है। लेकिन उसके हाथ काफी ज्यादा कपकपाने लगते हैं, तभी मॉस्को उससे कहता है कि तू हट जा, ये मैं करता हूँ। बातों ही बातों में मोनिका डेनवर से पूछती है कि क्या तुमने मेरा नोट आर्थुरो तक पहुँचाया। तब वहाँ पर डेनवर कहता है कि हाँ मैंने उसे पहुँचा दिया है और साथ ही उसे ये भी बता दिया है कि तुम जिंदा हो और तुम दोनों का प्लान जो ऑस्ट्रेलिया का था वो भी अभी तक कायम है। ये बात सुनकर मोनिका को थोड़ा सा झटका लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उन दोनों के बीच में ऑस्ट्रेलिया की कभी बात तो हुई नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बेसिकली आर्थुरो की रियल वाइफ यानी कि लारा का था, क्योंकि मुझे यानी मोनिका को प्लेन में बैठने से काफी ज्यादा डर लगता था, इसलिए उसने ऐसी कोई जगह चुनी नहीं थी। नैरोबी जिसने कि उस चिट को देख लिया था अब वो उसे खोलकर पढ़ने लगती है, तो उसे उसके अंदर मिलता है कि मैं जिंदा हूँ, लड़ते रहना,
और जब वो इस नोट को पढ़ती है तो उसे शक होता है सीधा डैनवर पर, और वो उसका पीछा करते करते उसी तिजोरी के अंदर पहुंच जाती है। और जैसे ही वो उन सभी को वहां पर पाती वो शॉक हो जाती है। पहले तो डैनवर और मॉस्को को लगता है कि नैरोबी को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया और वो हमें गोलियों से भून देगी, मगर जस्ट इसका उल्टा होता है, बल्कि नैरोबी वहां पर आकर मोनिका की जान बचाने लगती है। और इसके पीछे का रीज़न यही था कि प्रोफेसर ने कहा था नो ब्लड, यानी कि किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। और जब नैरोबी को इस बारे में पता चला कि मोनिका जिंदा है तो वो भी उनके प्लान में शामिल हो गई, और मोनिका की जान बचाने के लिए वो हर कोशिश करने लगी जो मुमकिन थी, और साथ ही अब मॉस्को को हटाकर खुद ही उसकी गोली निकालने की कोशिश करती है। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो उन्हें अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।